बुलंदशहर में देर रात दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग में तीन बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस मुठभेड़ बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर इलाके में एक घटना में वांछित चल रहे दो बदमाशों से देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों मुठभेड़ों में बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों से अवैध असलाह, कारतूस और 1,05,000 रुपए बरामद किए। दूसरी मुठभेड़ खुर्जा पुलिस की एक वांछित अपराधी से हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने वांछित बदमाश दीपक को रोकने का प्रयास किया। दीपक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दीपक के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। खुर्जा के अग्रवाल फाटक पर दो मुठभेड़ में घायल बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा, दो खोखा, कारतूस और अवैध छुरी बरामद की है। नगर में आज पुलिस टीम अपने नियमित गश्त और चेकिंग पे लगी हुई थी, जिस पे कुछ ही देर पहले अकबाल कट पे एक व्यक्ति को आता हुआ देख करके पुलिस ने उसको चेकिंग के लिए जब रोका, रोकने पे उसने पुलिस को ऊपर फायर कर दिया, जिस पे जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।